विधानसभा का संभवतः आखिरी सत्र, छोटा सत्र, और सत्र को बुलाने के पीछे मकसद ये कि आनन फानन में सोशल सिक्योरिटी से लेकर फार्मर डेट रिलीफ एक्ट से लेकर इस प्रकार के कानून पास करें जिससे जनता में भ्रम हो जाए कि सरकार बड़ी कल्याणकारी सरकार है। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान विधानसभा जो जनवरी में सत्र आहूत हुआ था वो लगातार अभी तक अनवरत जारी है, सत्रावासन हुआ नहीं। हम सत्रावासन होता, नया सत्र होता तो हमें 10 सवाल तारांकित और 20 सवाल अतारांकित लगाने का अधिकार मिलता। सारे विधायक उस अधिकार से महरूम है। इस सत्र के अंदर हम रोज मुद्दों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, बहस के आधार पर सरकार की कलई खोलने की कोशिश करेंगे। सरकार बिना बजट के थोथी घोषणाओं पर घोषणाएं करती जा रही है, और सरकार जिस मुख्यमंत्री जी का कार्ड हाथ में लेकर उनकी फोटो जिसमें नहीं हो उनको वंचित भी करती जा रही है उन सुविधाओं से जिसका ऐलान सरकार ने अलग अलग अपनी योजनाओं में कर रखा है। ये सरकार अब महसूस कर रही है कि उनके दिल लद गए, इसलिए आनन फानन में इस प्रकार अब घोषणाएं पर घोषणाएं कर रही है जिनको घोषणाओं को अमली जमा सिर्फ 2-3 महीने के लिए बहनाना होगा, उसके बाद इस सरकार को कोई सरोकार नहीं। सवाल इस बात का है कि सरकार 5 साल की थी या सरकार 4 महीने की थी, ये सारे सवाल अपने आप सरकार के कामों से सामने आ रहे हैं। मुद्दे कौन कौन से होंगे? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा। भरतपुर में जिस प्रकार पुलिस की कस्टडी में सरेआम राय में एक अपराधी को भून कर चले गए, ये घटना पहली घटना नहीं, दोसा की घटना जिसमें एक बालिका का अपहरण होता है, पिता पीछा करता है, उसको मार दिया जाता है, अनेकों घटना है। और उसके बाद ये जो जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, आईटी का भ्रष्टाचार, और इसके साथ सरकार ने जो बिजली राहत की में घोषणाएं की थी, बड़े हुए बिल सामने आए हैं, बड़ा हुआ फ्यूल चार्ज है, इन सारों को लेकर गड्ढों में जान देता हुआ राजस्थान का मासूम, इन सारे मुद्दों को लेकर हम सरकार की बैठक में क्या हमने सभी को कहा है, वसुंधरा जी अगर यहाँ होगी तो निश्चित तौर पर आती है, अगर बात प्रवास पर है। सरकार कौन कौन से बिल है वो इस सत्र में लाने की? देखिए, एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम का बिल है, एक जेल का बिल है, इन दोनों बिलों पर सरकार बहस करना चाहती है। 3 यूनिवर्सिटी के बिल पहले से पेंडिंग है, एक लेक्चरर्स का जोधपुर यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार इन्होंने बंदरबांट की है, लेक्चरर्स के नियमितीकरण का बिल है, और फार्मर डेट रिलीफ एक्ट है, और अब मैंने अखबारों में देखा सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी सरकार लाना चाहती है। सारे एक्ट लाए गए तो निश्चित तौर पर यह गौरव की बात है। इस देश की संवैधानिक प्रमुख राजस्थान की विधानसभा में आए हमें संबोधित करें, इससे बड़ा गौरव कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, विधानसभा सत्र आदि का तारंकी का तारंकी सवालों की बात है, लेकिन राजस्थान में 15 की विधानसभा में 8 सत्रों में 40,000 ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने 7,000 ज्यादा सवाल ऐसे जिनके जवाब ही नहीं दिए। देखिए, ये परिपाटी संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की है। विधानसभा में सवाल इसलिए खड़े किए जाते हैं कि उन सवालों का जवाब आए, एक ऐसा मंच है जहाँ कोई सवाल का सही जवाब आने की संभावनाएं रहती है। ये नई सवालों का जवाब आना दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसके लिए प्रयास किया, इसलिए कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। उन्होंने कोशिश की थी समय पर सवालों का जवाब आए, और ये नहीं है तो ये संसदीय लोकतंत्र की कमजोरी है। एक आखिरी सवाल आपको लेकर, मुझे कोई बयान नहीं देना। मैंने कुछ मनोरोग विशेषज्ञों से बात की थी कि इस प्रकार के जिम्मेदार पदों पर बैठकर क्यों बयान दिए जाते हैं निजी जिंदगी के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक SBD सेडेटिक बिहेवियर डिसऑर्डर बीमारी है, शायद उससे ग्रसित नहीं हो जाए। मेरे मित्र हैं, मुझे प्रसिद्धि दे रहे हैं, और मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, मौका आएगा उसी जगह।